अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही टेस्टी पुरानी दिल्ली की बहुत फेमस तौफीक बिरयानी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बहुत चटपटी और बहुत ही टेस्टी बनती है, एकदम ऑथेंटिक रेसिपी है। लेकिन इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने इसके लिए लिया है 1 किलो के करीब चिकन लिया है मैंने, और इसे अच्छे से धो लिया है। इसके बाद इसके अंदर 2 चम्मच के करीब हम अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। इसके बाद इसके अंदर 2 ही चम्मच हम इसके अंदर नमक शामिल करेंगे। आप हसबे जरूरत नमक शामिल कर लीजिएगा, वैसे बिरयानी में थोड़ा सा साल्टी होता है तो ही नमक सेट होता है। तो 2 मैंने चम्मच के करीब ये दही शामिल करिए, जो कि गाढ़ी गाढ़ी दही है एकदम, तो ये टेबल स्पून है, और जो नमक है वो टी स्पून है। अब मैं इसके अंदर 2 बड़े चम्मच के करीब ऑयल शामिल करूंगी इसके अंदर, और 2 ही चम्मच के करीब मैं इसके अंदर पानी शामिल करूंगी। तो पानी इतना ही शामिल करें आप जितने में हमारा चिकन गल जाए और लिक्विडी हो जाए। तो मैंने अच्छे से इन्हें मैश करके इसे रख दिया है धीमी आंच में पकने के लिए। अब दूसरी साइड हमने एक पानी के अंदर 2 तेज पात डालेंगे, 2 हरी इलायची, 3 से 4 लौंग है, एक बादियान का फूल है, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा। अब इसको बॉईल होने रख देंगे जब तक एक उबाल आता है। हमने चावल को भिगो दिया था, कच्चे बासमती राइस है जो कि सेला चावल जिन्हें कहते हैं, तो ये डबल चाबी है। मैंने इसे 2 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। तो इसको मैंने अच्छे से धो लिया है। अब इसको इसके अंदर शामिल कर देंगे, पानी में खद्दा आ चुका था। अब पानी के अंदर इस सारे चावलों को धो के डाल दिया है। अब नमक हमें इतना डालना है कि हमारा पानी एकदम साल्टी हो जाना चाहिए, जो खारा सा, क्योंकि हम इसका पानी जब निकाल देते हैं तो पानी के साथ नमक भी चला जाता है। अब इसके बाद 1 चम्मच के करीब मैंने ऑयल शामिल करा है, जिससे कि हमारे चावल एक दूसरे में चिपकेंगे नहीं, खिले खिले बनेंगे। तो इसे ढककर मैं रख दूंगी, जब तक पक रहा है ये हम दूसरी साइड आ जाते हैं। दूसरी साइड हमने क्या करना है, कम से कम 200 ग्राम के करीब दही है, इसको अच्छे से फेंट लिया है मैंने। 1/4 चम्मच के करीब मैंने इसके अंदर कलर शामिल करना है। तो कलर आप अपने हिसाब से, अगर आपको ज्यादा पसंद है तो आप ज्यादा शामिल कर सकते हैं, जैसे भी आपको पसंद है। 1 चम्मच के करीब केवड़ा वाटर है ये, इसको शामिल कर देंगे हम दही के अंदर इसी स्टेज पे। इससे क्या है, सारे चावलों में खुशबू से अच्छे से महक जाएगी। और इसके अंदर 1/2 चम्मच के करीब मैंने चीनी शामिल करी है, क्योंकि हमारे जो ये कलर होता है इसके अंदर हल्की सी कड़वाहट होती है, उसको मिटाने के लिए चीनी बहुत जरूरी है। तो थोड़ी सी चीनी शामिल करी है, और 1 चम्मच के करीब मैंने इसके पिसी लाल मिर्च शामिल करी है, और 1/2 चम्मच मैंने इसके अंदर कुटी लाल मिर्च शामिल करी है। तो ये चीज जरूरी है शामिल करना, क्योंकि इससे बहुत चटपटा फ्लेवर आता है। अगर आप चाहें तो इसकी जगह पिसी हुई मिर्च शामिल कर सकते हैं या कुटी भी, क्योंकि उस बिरयानी के अंदर थोड़े थोड़े चंक्स दिखाई देते हैं मिर्च के, आपने अगर खाई होगी तौफीक बिरयानी। तो इसको मैश कर लेंगे, अच्छे से मिक्स करके एक साइड रख देंगे। इधर पानी में अच्छे से उबाल आ चुका है, आप देख सकते हैं। तो चावल को ज्यादा चलाए नहीं, बस आप थोड़ा सा चेक कर लीजिए कि आपके चावल गल गए हैं। तो ये हमें पूरे 100% कुक कर लेने हैं, बिल्कुल कसर नहीं छोड़नी है। तो हमारे रेडी हो चुके हैं चावल, गैस की फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे। दूसरी साइड आते हैं, तो हमारा चिकन भी काफी अच्छा से गल चुका है, और इसे भी हमने भून दिया है। पानी हमारे बीच में सारा रख देना है, सारा चिकन साइड में लगा देना है, इससे है ना हमारा जूसी से बिरयानी बनती है एकदम। और फिर इसके बाद हमने ये बिरयानी मसाला लिया है 1 से 1.5 चम्मच के करीब। जैसे 1 किलो बिरयानी बना रहे हैं गोश्त के साथ, तो हमें 10 रुपए वाला जो पैकेट आता है आप वही शामिल कर सकते हैं। तो 4 से 5 हरी मिर्च है, उसको भी मैंने साइड में लगा दिया है। बिरयानी मसाला भी मैंने साइड में ही लगाना है, बीच में नहीं लगाइएगा। तो ये बाजार में मिलने वाला ये अचार है, बहुत ही चटपटा फ्लेवर देता है। इस इंग्रेडिएंट्स को आपने डालना लाजमी है, क्योंकि इससे ही तौफीक बिरयानी का टेस्ट और जायका निकल के आता है। तो मैंने ये 1 बड़े चम्मच के करीब, एक छोटी कटोरी मैंने ये अचार शामिल करा है, तो उसको भी साइड में लगा देंगे। और जो मैंने ये कलर बनाया था दही वाला, इसको भी हमने इस चिकन के ऊपर ही डालना है, कुछ भी बीच में नहीं डालना, साइड में ही रखिएगा। तो काफी जूसी सी बनती है ये बिरयानी, और बहुत ही लजीज बनती है, और चटपटी सी फ्लेवर आता है। तो ये जितना स्टॉक है ये बीच में ही रहने दीजिएगा, क्योंकि बीच में आग ज्यादा लगती है, इसलिए हम सारे स्टॉक बीच में रखेंगे।
अच्छा चावलों को पहले से कुक करके मत रखिएगा, इसको एकदम गर्मा गर्म ही हमें इसके अंदर तेल लगानी है। तो जितने सारे चावल थे मैंने सारे ही चावल इसके ऊपर रख दिए हैं, आप देख सकते हैं ये सारे चावल मैंने सेट कर दिए हैं। इसके बाद इसके अंदर 1 से 1.5 चम्मच के करीब मैंने देसी घी इसके ऊपर शामिल करा है। आप चाहे तो ऑयल भी शामिल कर सकते हैं, रिफाइंड ऑयल भी शामिल कर सकते हैं। तो जो देख वाले हैं वो घी ही शामिल करते हैं। उसके बाद एक कपड़ा लगा के मैंने इसके ऊपर एक भारी सी चीज रख देनी है और इसे एकदम लो टू मीडियम फ्लेम पे धीमी आंच पे 15 मिनट के लिए रख दिया। 15 मिनट के बाद 10 मिनट तक आप बिरयानी बिल्कुल नहीं छुए। उसके बाद देखिए ऐसी खुशबूदार और ऐसे जबरदस्त जूसी सी बिरयानी बनी थी, आप देख सकते हैं, और दिल एकदम खुश हो जाएगा अगर आप इस तरीके से अपने घर में भी ट्राई करें। तो अब आप इस रेसिपी को बताएं कैसी लगी आपको ये रेसिपी, और अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और मुझे जरूर बताइएगा कि इस रेसिपी को आप अपने घर में कब ट्राई कर रहे हैं। तो अगर ट्राई करें तो अपना फीडबैक देना मुझे मत भूलिएगा, और अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, और दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। एक और नई रेसिपी के साथ मैं फिर हाजिर होंगी, तब तक के लिए दुआओं में शामिल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।